इंदौर और इंदौर के आसपास अवैध हथियार का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। देर रात क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच ने दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 आरोपी सहित 27 अवैध देशी पिस्टल, 10 कट्टे व 10 जिंदा कारतूस सहित 37 अवैध हथियार जब्त किए हैं। आपको बता दें, इनमें से 2 अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी शामिल हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच इंदौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिकली गरों के द्वारा बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों एवं उनसे सटे हमारे जिलों में अवैध हथियारों की डील होने वाली है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिगनूर जिला खरगोन का रहने वाला एक व्यक्ति मंगल सिंह सिकलीगर अवैध हथियारों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा थाना अन्नपूर्णा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए दशहरा मैदान सुलभ का कॉम्प्लेक्स के पास अन्नपूर्णा में घेराबंदी कर आरोपी मंगल सिंह सिकलीगर को पकड़ा गया। उसने एक अन्य आरोपी दिनेश सिंह का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने खरगोन में भी घेराबंदी कर उसे पकड़ा। वह पार्टियों को सिकलीगर से मिलाने का काम करता है एवं सप्लाई का काम करता है। इसी प्रकार मोनू उर्फ अमरजीत डांगी को थाना एरोड्रम पुलिस ने सुपर कॉरिडोर से पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने और भी खुलासे की बात कही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये जो विशेष अभियान के दौरान पूर्व में भी बड़ी खेप में हथियार पकड़े गए थे और इसी क्रम को आगे करते हुए आज इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 37 अवैध हथियार, जिसमें कि 27 पिस्टल हैं और 10 देसी कट्टे हैं, वो बरामद किए हैं। 10 एम्यूनेशन भी है उसमें नग, और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 सिकलीगर जो खुद बनाते हैं खरगोन जिले के, और 2 जो उनके मीडिएटर जो दलाल थे उनको भी अरेस्ट किया है। ये अभी तक पिछले 5 साल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ की है और प्रदेश की बड़ी कार्रवाइयों में भी ये निश्चित रूप से आगे ही रहेगी है। तो इसमें ये लोग जंगलों में लोहे को बोल्ट के सहारे इसमें हथियार बनाते थे ये, और इनको यहाँ दलालों के माध्यम से 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति पिस्टल और कट्टा 5 से 10 हज़ार के रेट में ये बेचते थे। इसमें हमारे पास एक इंटरोगेशन में काफ़ी बड़ा नेटवर्क इसमें हमारे को पता चला है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में भी हम कार्रवाई करेंगे। ये जो अभी 1 तारीख को जिस दिन लॉकडाउन खुला था, उस दिन हमने 35 हथियार पकड़े थे और आज हमने ये 37 हथियार पकड़े हैं। ये सारे ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड हैं और हम इसमें एक पूरा एक टीम के द्वारा हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ताकि हम सिर्फ ना केवल ये बेचने वालों को, बल्कि ये आजकल कहाँ बना रहे हैं, किन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जो इनको एक बार लोहे को सांचे में ढालने के बाद उसके बाद उसको फाइल करना पड़ता है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, वो इक्विपमेंट्स की बरामदगी, इसके साथ इनको ये सब बनाने के लिए फाइनेंस कौन कर रहा है, इन सभी विषयों पर हम इसमें अनुसंधान करेंगे, ताकि ना केवल हथियार पकड़े जाएं, बल्कि इसके पीछे जो इनके फाइनेंसर्स हैं और ये लोग भी जिनको बेचते हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं, उन सबको भी हम गिरफ्तार कर सकें। अन्नपूर्णा थाना एरिया के अंतर्गत इसमें कार्रवाई हुई है और इसमें जो है जो पुलिस ने एक डीलर की भूमिका निभाई थी और कि हम डील करना चाहते हैं आपके साथ, तो उसमें फिर दलाल पकड़ा गया और उसके बाद बनाने वाले पकड़े गए। इस तरह से पुलिस कार्रवाई में सफल हुई। सर, दलाल ने बताया होगा कि यहाँ पे इंदौर में किस किस को बेचे हो? देखिए, हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी जो ये दलाल हैं, इनके पोजेशन में से काफ़ी मात्रा में मिले हैं। ये आगे अपने जो जैसे ये 5-1 हज़ार रुपये का मार्जिन होता है दलाल के पास, वो 5 हज़ार अगर उसने 10 हज़ार में खरीदा, 15 हज़ार में, 15 हज़ार में खरीदा, कई बार सिकलीगर, ये भी चीज़ हमारे पास इसमें आई है प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन में, कि कुछ लोग एम्यूनेशन के बदले हथियार ले जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इस विषय में मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि जो एम्यूनेशन है, इसका सख्त कंट्रोल होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसको एक लाइसेंस शुदा हथियार रखता है,
उसको वो कितनी मात्रा में एम्यूनिशन रख सकता है ये भी उसके लाइसेंस में प्रिस्क्राइब होता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज में उसकी थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उसको एक अधिकतम एम्यूनिशन रखने की सीमा होती है। से अगर वो 50 एम्यूनिशन रख सकता है और कभी उसको 50 इशू हो जाते हैं, उसके बाद वो 10 इशू और करवाने के लिए अगर जाता है किसी आर्म्स लाइसेंस शॉप, तो आर्म्स लाइसेंस शॉप वाले को बोलना चाहिए कि आपके 10 वो कहाँ गए। अगर वो कहता है कि 10 फायर हो गए, तो उसको खोखे पे इंसिस्ट करना चाहिए, हमारे पास खाली खोखे लेके आइए सबूत के लिए, ऐसी व्यवस्था हो, इसके लिए मैंने अनुरोध किया है। और इससे क्या है कि एक तो पिल्फरेज रुकेगा, दूसरा लाइसेंसियों का इंडेक्सिंग भी लाइसेंस शॉप से होना चाहिए कि अगर मेरे पास हथियार का लाइसेंस है तो मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक दुकान से ही उसका एम्यूनेशन ले सकूं। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो क्रॉस चेक करना बहुत आसान होगा। अगर हम किसी आर्म्स डीलर का स्टॉक चेक करते हैं और वो बताता है मैंने 500 एम्यूनेशन बेचे फला व्यक्तियों को, तो क्योंकि वो लोकल होंगे तो हम जाके उनके आर्म्स लाइसेंस पे जाके देख सकते हैं कि क्या वो इंद्राज हैं या किसी और को बेच के उसने किसी आर्म्स लाइसेंसी के नाम पे चढ़ा दिए, ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया हो, इस बाबत मैंने अनुरोध किया। अगर कौन डेफिनेटली ये तो देखिए आर्म्स